टुडे डिस्कस अबाउट ए सम इम्पोर्टेंट नोट्स ऑफ द ज्यूरिसप्रूडेंस। तो ज्यूरिसप्रूडेंस में क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारे हॉस्पिटल कब ओपन हुआ था फर्स्ट टाइम। तो वो है 1664 में फर्स्ट हॉस्पिटल ओपन हुआ था जो कि मद्रास में हुआ था। 1820 में लॉर्ड कानावाली स्टार्टेड ओपियम फैक्ट्री। तो फर्स्ट गाजीपुर में फर्स्ट ओपियम फैक्ट्री एक्ट 1822 में ओपनिंग हुआ था। 1835 में फर्स्ट टू मेडिकल कॉलेज एस्टेब्लिश हुए थे, कहाँ पे? कोलकाता और मद्रास में। 1857 में फर्स्ट इंडियन पैनल को एप्लीकेबल हुए थे ड्रग्स के ऊपर में, जो कि एक सेक्शन है इंडियन पैनल कोड का, कुछ सेक्शन एप्लीकेबल हुए थे ड्रग्स के ऊपर में। 1857 में ओपियम एक्ट एनेक्ट हुआ था फर्स्ट टाइम पे। ओपियम फैक्ट्री 1822 में ओपन हुआ, लेकिन उसमें जो एक्ट है उसका रूल रेगुलेशन है वो लागू हुआ था 1857 में फर्स्ट टाइम। उसके बाद 1878 में उसका एडेंडम और दूसरा कुछ एक्ट उसको रिवाइज करके लागू किया गया। 1868 में फार्माकोपिया ऑफ इंडिया पब्लिश्ड अंडर द अथॉरिटीज ऑफ ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया कैन बी स्टार्टेड। 1894 में फर्स्ट टाइम हुआ था। 1898 में सी कस्टम एक्ट, जो हमारे सी कस्टम एक्ट है वो एनेक्ट हुआ था 1898 में। 1899 में कंपाउंडर ट्रेनिंग कोर्स स्टार्टेड हुआ था, जो हमारे कंपाउंडर हैं मेडिकल फील्ड में उनका ट्रेनिंग कोर्स 1899 में स्टार्टेड हुआ था मद्रास में। 1919 में पॉइजनस एक्ट एनेक्ट हुआ था, जो कि वेरी इम्पोर्टेंट है पॉइजनस एक्ट। पॉइजनस सब्सटेंसेस के रूल रेगुलेशन कब लागू हुए थे? तो 1919 में। देन 1920 में ऑल इंडिया कंपाउंडर एंड डिस्पेंसरी एसोसिएशन वेर एस्टेब्लिश, जो कंपाउंडर और डिस्पेंसर का जो ट्रेनिंग है कि एसोसिएशन से, वो कब लागू हुआ था? ऑल ओवर इंडिया के बेसिस में एस्टेब्लिश हुए थे एसोसिएशन से, एक मीटिंग, एक कमीशन, एक ग्रुप एस्टेब्लिश हुए थे ऑल ओवर इंडिया थ्रू में 1931 में रिपोर्ट सबमिट हुआ था डीईसी टू सेंट्रल गवर्नमेंट। डीईसी मींस ड्रग्स इंक्वायरी कमिटी, इसका हेड जो थे वो कोल चापरा कॉन्स्टिट्यूट किए थे डीईसी को। डीईसी आरएन चोपड़ा के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 1930 में। तो इसका जो रिपोर्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को सबमिट किया गया था 1931 में फर्स्ट टाइम। देन 1932 में दो डिग्री कॉलेज डिग्री कोर्स ऑफ फार्मास्यूटिक टू ईयर ऑफ डिग्री कोर्सेज ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री ऑफ बीएससी, बिगिनिंग ऑफ द फार्मेसी एजुकेशन बाय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बाय प्रोफेसर महादेव लाल स्क्रफ, जो हमारे प्रोफेशन है महादेव लाल स्क्रफ फादर ऑफ फार्मेसी, वो फर्स्ट टाइम डिग्री दो ईयर के लिए हमारे डिग्री कोर्स ऑफ फार्मेसी को बिगनिंग किए थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के थ्रू। और 1933 में इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट एनेक्ट हुआ था, जो हमारे IMCA है इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट, ये फर्स्ट टाइम लागू हुए थे हम उसके रूल रेगुलेशन 1933 में। 1939 में यूनाइटेड स्टेट प्रोविंस फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन UPPA वाज रीनेम्ड द इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, जो हमारे यूनाइटेड स्टेट के जो प्रोविंस फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन बोल के एक ग्रुप था उसका रीनेम हुआ था 1939 में। और IPA का फर्स्ट IPA मतलब IPA नेम हुआ, IPA हम लोग उसको वहाँ से जानते हैं कि वो रीनेम होके हमारे IPA आया है इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन।
इंडिया का एक एसोसिएशन से बना, उसके बाद फार्मेसी के, उसके बाद उसमें फर्स्ट जर्नल पब्लिकेशन का स्टार्ट हुआ फार्मेसी के। 1940 में ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट एनेक्ट हुआ, जो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी अंडर DCA ड्रग कंट्रोलर एडवाइजरी। 1941 में फर्स्ट ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किए थे, जो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी के DC हैं, ड्रग कंट्रोलर एडवाइजर। ये फर्स्ट DTAB ड्रग कंट्रोल टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, एक बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किए, बोर्ड बनाए ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी के लिए, जिसके थ्रू हमारे सारे ड्रग्स के जो हमारे डिसीजन मेकिंग है वो वहाँ से आता है। तो 1941 में फर्स्ट टाइम वो एक्ट, वो बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट हुए थे, DTAB के बोर्ड जो फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूट हुए थे 1901 में। नेक्स्ट 1941 में फर्स्ट ऑल इंडिया फार्मास्यूटिकल कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुआ था BHU बनारसी, अंडर प्रेसिडेंटशिप ऑफ प्रोफेसर महादेव लाल स्क्रावर। तो 1941 में हमारे फर्स्ट फार्मास्यूटिकल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुआ था बनारस, BHU बनारस यूनिवर्सिटी के थ्रू बाय द प्रोफेसर महादेव लाल स्क्रावर। 1944 में फर्स्ट IP कॉन्स्टिट्यूट हुए थे, इंडियन फार्मास्यूटिकल कम्युनिटी कॉन्स्टिट्यूट हुए थे फर्स्ट टाइम 1944 में, जो हमारे इंडियन फार्मास्यूटिकल कमिटी है, जो एक कमिटी बनता है वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 1944 में। 1945 में पार्लियामेंट में फार्मेसी का बिल फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था 1945 में, और ड्रग्स कॉस्मेटिक एक्ट का जो रूल है उसको फ्रेम भी किया गया था 1945 में। तो ड्रग्स कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में एनेक्ट हुआ था और उसका रूल फ्रेम हुआ 1945 में। 1946 में इंडियन फार्मास्यूटिकल कडेक्स, जो हमारे इंडियन फार्मास्यूटिकल कडेक्स बोल के एक फॉर्मुलरी बुक है वो पब्लिश हुआ था 1946 में। 1948 में फार्मेसी एक्ट एनेक्ट हुआ था, फार्मेसी एक्ट, फार्मेसी के जो एक्ट है, रूल रेगुलेशन है, वो कब बनाया गया था 1948 में। 1948 द डेंटिस्ट एक्ट ऑल्सो एनेक्टेड। तो फार्मेसी एक्ट और डेंटिस्ट एक्ट दोनों 1 ईयर में होते हैं 1948 में। देन 1949 द फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया PCI कॉन्स्टिट्यूट अंडर द फार्मेसी एक्ट। PCI फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है, जिसके थ्रू हमारा अभी फार्मेसी चल रहा है, उनके वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था फर्स्ट फार्मेसी एक्ट के अंडर में 1949 में। 1900 ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि PCI कब कॉन्स्टिट्यूट हुए थे और किसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूट हुए थे। ओके, नेक्स्ट है 1951 में इंडस्ट्रीज एक्ट एनेक्ट हुए थे। 1954 में ड्रग्स मैजिक रेमेडीज एक्ट एनेक्ट हुआ था, जो कि हमारे एक है ड्रग्स और मैजिक रेमेडीज, मतलब ड्रग्स और उसके जो भी रूल रेगुलेशन है, जो भी हमारे आयुर्वेदिक मेडिकेशन है, इसका जो भी फॉर्मुलेशन है, वो ऑल आर इनेक्टेड इन द 1954 फार्मास्यूटिकल इंक्वायरी कमिटी एक रिकमेंडेड अपॉइंटेड ऑफ ग्रेजुएटेड इन फार्मेसी एज चीफ फार्मासिस्ट फॉर ऑल लार्ज हॉस्पिटल। तो एक इंक्वायरी कमिटी फार्मास्यूटिकल के अपॉइंट हुआ गया था, रिकमेंडेड किया गया था 1944 में बाय द लार्ज हॉस्पिटल, कुछ लार्ज हॉस्पिटल के थ्रू चीफ ऑफ फार्मेसी, जितने भी फार्मासिस्ट थे उनको चीफ गेस्ट सबसे करके ग्रेजुएटेड फार्मेसी को और रिकमेंडेड किया गया था कमिटी। उसके बाद 1954 में द फर्स्ट बी फार्म कोर्स अप्रूवेशन फ्रॉम द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बाय द बिरला कॉलेज ऑफ पिलानी। तो फर्स्ट फार्मेसी कॉलेज अप्रूव्ड हुआ था PCI के थ्रू 1954 में, एट बिरला कॉलेज ऑफ पिलियानी। पिलियानी के एक बिरला कॉलेज है जहाँ पे बी फार्म कोर्स फर्स्ट अप्रूव किया गया था PCI के थ्रू
1954 में। 1955 में फर्स्ट डिप्लोमा कोर्स आर अप्रूव्ड बाय द पीसीआई एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर। तो पिलियानी में बी फार्म कोर्स फर्स्ट अप्रोवेशन मिला था और अमृतसर में फर्स्ट डिप्लोमा कॉलेज अप्रोवेशन मिला था थ्रू द पीसीआई एट 1954 एंड 55। दिस बोथ आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर अ कम्पिटेटिव एग्जाम। देन 1955 में फर्स्ट इंडियन फार्माकोपियल पब्लिश हुआ था। 55 में मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट ऑल्सो एनेक्टेड हुआ था। 1956 में यूनिवर्सिटी ग्रांटेड कमीशन एक्ट एनेक्ट हुआ था, जो हमारे हर एक जिले में हर एक राज्य में एक एक यूनिवर्सिटी बने हैं। तो वो यूनिवर्सिटी एक्ट यूनिवर्सिटी को ग्रांट करने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट एनेक्ट हुआ था 1946 में। वो यूनिवर्सिटियों को यूनिवर्सिटी बनाने का परमिशन देने के लिए जो कमीशन है, जो कमिश्नर ग्रांटेड हैं, वो एक्ट लागू हुआ था 1956 में। 57 में डेंजरियस ड्रग्स जितने भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स हैं उनके रूल फ्रेम्ड हुए थे। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोसेस के लिए जो रूल फ्रेम्ड होना है वो फ्रेम हुआ था 1957 में। 1960 में प्रिवेंशन एंड क्रुएल्टी एंड टू 1960 में प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट पास हुआ था, जो हमारे एनिमल के लिए एक्ट है, जो एनिमल के लिए जो भी प्रिवेंशन प्रोसेस है उसका रूल रेगुलेशन लागू करने के लिए 1962 में फर्स्ट टाइम हुआ था। 1962 में सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग ड्रग रूल फ्रेम हुआ था। पहले हमारे सेंट्रली ड्रग्स मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे थे, किंतु 1962 के बाद 62 में सेंट्रली ड्रग्स मैन्युफैक्चर ड्रग्स के कैसे होंगे उसका रूल फ्रेम हुआ था 1962 में। 1962 में बिगिनिंग हुआ था नेशनल फार्मेसी वीक सेलिब्रेशन इन थर्ड वीक ऑफ नवंबर एवरी ईयर। दिस वन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि हमारे जो नेशनल फार्मेसी वीक सेलिब्रेट किया जाता था वो कब किया जाएगा बोल के फर्स्ट बिगिनिंग हुआ था 1962 में। नवंबर के एवरी थर्ड वीक में सेलिब्रेट किया जाता है। 1963 में फार्मेसी टाइम्स पब्लिकेशन ऑफ आईपीए एज ए प्रोफेशनल मंथली पब्लिकेशन। तो जो हमारे फार्मेसी फार्मा टाइम्स पब्लिकेशन हो रहा है, एक जर्नल जो एक जर्नल पब्लिकेशन हो रहा है, वो फर्स्ट आईपीए के थ्रू ग्रांटेड मिला था। हर एक मंथली फार्मा टाइम पब्लिश होगा वो कब होगा बोल के ग्रांटेड मिला था 1963 में। 1963 में इंडियन हॉस्पिटल फार्मेसी एसोसिएशन वॉज लॉन्च्ड एट पिलियानी राजस्थान। राजस्थान के पिलियानी में फर्स्ट टाइम पे आईएचपीए लॉन्च हुआ था, इंडियन हॉस्पिटल फार्मासिस्ट एसोसिएशन। जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के एसोसिएशन हैं वो फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था 1963 में राजस्थान के पिलियानी में। 1964 में इंडियन जर्नल ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी वॉज स्टार्टेड बाय द प्रोफेसर बी डी मिगलानी फॉर आईएचपीए। तो इंडियन फार्मेसी जर्नल वो तो अलग है, लेकिन इंडियन हॉस्पिटल फार्मेसी जर्नल 1964 में स्टार्टेड हुआ था बाय द बी डी मिगलानी प्रोफेसर बी डी मिगलानी फॉर आईएचपीए। आईएचपीए मींस इंडियन फार्मास्यूटिकल हॉस्पिटल इंडियन हॉस्पिटल फार्मासिस्ट एसोसिएशन। 1966 में सेकेंड इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश हुआ था। फर्स्ट इंडियन फार्माकोपिया 1955 में पब्लिश हुआ था और सेकेंड इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश हुआ था 1966 में। इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 में पब्लिश हुए थे। 1970 में फर्स्ट डीपीसीओ ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर पब्लिश हुआ था। ऑर्डर के एक्ट जो हैं मतलब पब्लिकेशन हुआ था 1970 में फर्स्ट ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। लेटर ऑन द 1987 एंड 95 में उसका एडम पब्लिश हुए थे। 1970 में पेटेंट एक्ट एनेक्ट हुआ था।
तो 70 में ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर भी हुई थी और इंडियन पेटेंट एक्ट भी हुआ था। 1971 में मेडिसिनल एंड टर्मिनल सॉरी मेडिसिनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट लागू हुए थे। 1975 में ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एस्टेब्लिश विद मिस्टर बी एल त्यागराज एज ए प्रेसिडेंट, जो हमारे प्रेसिडेंट थे त्यागराज, वो ऑल ओवर इंडिया में ऑर्गेनाइजेशन एंड केमिस्ट ऑफ ड्रग्सिस्ट के प्रेसिडेंट की सबसे एस्टेब्लिश किए गए थे 1975 में। 1979 में इंडियन जर्नल फार्मेसी वाज नेम्ड एज इंडियन जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस। 85 में थर्ड एडिशन फार्माकोपिया वाज पब्लिश हुआ था, तो फर्स्ट 55 में हुआ था, सेकेंड 66 में हुआ था, थर्ड 85 में हुआ था। देन 1985 में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट एनेक्ट हुआ था, जो हमारे नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक ड्रग्स हैं जितने भी हमारे पॉइजनिंग और ओपियम और नारकोटिक ड्रग्स हैं वो 1985 में एनेक्ट हुए थे। 1999 में गोल्डन जुबली ईयर ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया सेलिब्रेट किया गया था थ्रू द कंट्री के थ्रू फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के गोल्डन जुबली 1999 में सेलिब्रेट किया गया था। 2001 में फर्स्ट फार्मेसी प्रोफेसर सी के कुकाटे अपॉइंटेड हुए थे वाइस चांसलर ऑफ इंडिया इंडियन यूनिवर्सिटी के यूनिवर्सिटी में। तो फर्स्ट फार्मासिस्ट वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के अपॉइंट किए गए थे कब, 2001 में, किसको, सी के कोकाटे को। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए, और अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जो कि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ला पाऊँ। थैंक यू।